हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सीमा आज फिर लेकर आई हूँ आपके लिए एक नई रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी को। आज मेरी किचन में बन रही है सांभर, वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल में। अक्सर हम बाजार से खा के आते हैं तो हमारे घर में हमें वो टेस्ट नहीं आता। हम चाहते हैं कि हमारा कलर भी वही आए, टेस्ट भी वही आए। तो आज मैं वही रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ, वो भी बड़े आसान तरीके से। टेस्ट भी वही आएगा और कलर भी आप देख रहे हो कितना अच्छा आएगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इसकी रेसिपी को। आज मैं बना रही हूँ सांभर, तो उसके लिए मैंने एक लौकी कट करी है, गाजर और थोड़े से बीन्स लिए हैं और एक छोटा बैंगन कट किया है मैंने। सब्जी आप अपनी कोई सी भी चॉइस की ले सकते हो, क्योंकि अगर हम सांभर घर पे बना रहे हैं तो हम अपनी चॉइस की सब्जियां डाल सकते हैं जो हमें पसंद है। तो उसके लिए मैं कुकर में पानी चढ़ा दिया, तो इन सब्जियों को मैं उसमें डालूंगी। इन सारी सब्जियों को मैं कुकर में डाल दूंगी। सब्जियां डालने के बाद इसमें मैं एक चम्मच नमक डाल दूंगी, भरकर डाला मैंने एक चम्मच, आधे से थोड़ा चम्मच ज्यादा हल्दी का भी डाल दूंगी मैं इसमें। ये अरहर की दाल है जिसको मैंने भिगोकर सोख करके रखा हुआ था, तो इसको भी मैं डाल दूंगी। ये मैंने हाफ केजी लिया। अब इसको मैं दो से तीन सीटी लगवा लूंगी। सांभर के लिए हमें इमली भी चाहिए, तो उसके लिए मैंने 100 ग्राम से थोड़ी सी ऊपर लिया इमली, क्योंकि हमें कम नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि मैं दाल भी ज्यादा ले रही हूँ सांभर बनाने के लिए। तो उसके लिए मैं इसमें गर्म पानी डाल रही हूँ जिससे कि ये जल्दी मेल्ट हो जाएगी। दो से तीन सीटी लगवाने के बाद मैंने कुकर को खोल दिया। अब मैं इसको बड़े बर्तन में ट्रांसफर कर लूंगी। तड़के के लिए मैंने पैन में ऑयल डाल लिया 3 से 4 चम्मच। इसको गरम कर लेंगे हम। ऑयल गरम हो गया था, इसे मैं 1 से 1.5 चम्मच ये सरसों के दाने डाल दूंगी। आधा चम्मच मैं मेथी दाना डालूंगी, इससे इस सांभर में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इनको हम भून लेंगे। इसी के साथ मैं 1 से 1.5 चम्मच चॉप लहसुन डाल दूंगी। लहसुन ऑप्शनल है, आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं। 1 चम्मच जिंजर का पेस्ट, इनको भी हम भून लेंगे। सांभर में इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, मैं हमेशा डालती हूँ इनको, आप भी एक बार डाल के देखना, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तीन से लाल मिर्च डाल दूंगी मैं, 3 से 4, इनको भी साथ ही भून लेंगे। हींग को डालना बिल्कुल भी मत भूलना। इसमें मैं 1 चम्मच हींग डाल दी हूँ, हींग से भी इसका स्वाद बहुत बढ़ जाता है। पंद्रह से 20 मैंने करी पत्ता लिए। अब इसमें मैं 2 से 3 प्याज बारीक चॉप किए हुए मैंने, वो भी डाल दूंगी। प्याज को हमें ज्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस इसको हल्का गुलाबी ही रखेंगे।
प्याज हमारा भून चुका है और मैं इसमें सूखे मसाले डाल दूंगी। दो बड़े चम्मच सूखा धनिया पाउडर और एक चम्मच हम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे इसमें। इसको लो फ्लेम पर एक दो मिनट और भून लेंगे। तड़का हमारा अच्छे से भून चुका है, अब मैं इसको बंद कर दूंगी गैस को। तैयार तड़के को हम दाल में डाल देंगे। जो इमली का पल्प निकाला था मैंने वो भी हम इसी में ही डाल देंगे। खट्टा मटन टेस्ट के हिसाब से देख लेंगे जितना हम चाहते हैं। अभी मैं इसमें नमक भी डालूंगी क्योंकि पहले हमने थोड़ा ही नमक डाला था बॉइल्ड करते हुए, अब हम टेस्ट के हिसाब से और भी नमक डाल लेंगे जितना हमें जरूरत है। दाल अभी मुझे गाढ़ी लग रही है तो इसमें मैं गर्म पानी और डाल दूंगी और इसको मैं 5 से 10 मिनट तक इसको लो फ्लेम पर अच्छे से पका लूंगी। अब मैं इसमें 2 चम्मच सांभर मसाला भी डाल दूंगी। सांभर में उबाल आने शुरू हो गए हैं, मेरी तो पूरी किचन में ही मसालों की खुशबू फैल चुकी है, सांभर का बहुत ही अच्छा अरोमा फैल चुका है। बस इसको 3 से 4 मिनट हम और पका लेंगे फिर हम गैस को बंद कर देंगे। मैंने गैस को ऑफ कर दिया, सांभर हमारी रेडी हो गई है। इतनी कंसिस्टेंसी ही हमें इसकी चाहिए होती है, सांभर पतला ही अच्छा लगता है। तो तैयार है सांभर जो कि बड़ी टेस्टी और चटपटी बनी है, जिसको मैंने बड़ी सिंपल तरीके से बनाया है, आपने देखा भी होगा। तो आप भी इसको बनाएं और एंजॉय करें और मुझे जरूर बताएं आपको कैसे लगी। बाय बाय।